नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज की हमारी वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोगों के कमेंट्स आए हैं कि इस पर वीडियो ज़रूर बनाइएगा, तो आप सभी के लिए वीडियो हम लेकर आए हैं। आज की वीडियो पर चर्चा करते हैं। आज की वीडियो है कि अगर कोई आपका अपना ही आपके साथ गलत कर रहा है, अगर कोई आपका अपना ही आपके साथ धोखा कर रहा है, आपका बुरा चाह रहा है या किसी न किसी तरीके से आपका बुरा कर रहा है, तो उससे कैसे बच सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे अपने हैं, तो हम उन्हें डायरेक्टली बोल भी नहीं सकते, ना हम ऐसे कह सकते हैं कि आप हमारे घर आना छोड़ दीजिए। तो आप कुछ भी इस सिचुएशन में ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दे सकते अगले इंसान के ऊपर कि उसको ठेस पहुंचे, क्योंकि वो हमारे अपनों में ही आ जाते हैं। और आजकल ज़्यादातर लोग इसी बात से परेशान हैं क्योंकि उनके अपने ही, उनकी अपने रिलेटिव्स में लगा लो या रिश्तेदार में लगा लो, उनके अपने ही उनके बारे में बुरा सोच रहे हैं, उनसे गलत कर रहे हैं, उनके साथ धोखा कर रहे हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, उनको कुछ बुरा नहीं बोलना, उनसे कुछ बुरा नहीं सुनना, ना उनसे लड़ना है, ना ही उन्हें घर आने से रोकना है, और आप रोक भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में आ जाते हैं। तो हम कई बार सिचुएशन होती है कि हम रोकना चाहते हैं घर आने से, या उनसे बात करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि ये हमारे अपने हैं, हम रुक जाते हैं। लेकिन हम दूसरी साइड ये भी चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमारा गलत करना बंद कर दे, हमारा बुरा करना बंद कर दे, और अब तक इसने जितना भी बुरा किया है वह इंसान उसकी माफ़ी हमसे मांगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, दो तरीके के उपाय बताए गए हैं। दोनों में से कोई भी अगर आपको उपाय अच्छा लगे, जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपके लिए ईजी हो करना, तो इन दोनों में से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। पहला उपाय बताते हैं कि पहले उपाय में आपने क्या करना है। पहले उपाय में जब भी वो व्यक्ति आपके घर आता है, तो जब भी वो व्यक्ति आपके घर और जब वापस जाए अपने घर, तो आपने उसके पैरों की मिट्टी उठा लेनी है, मिट्टी उठा लेनी है और उससे जलती आग में उसका नाम लेकर डाल देनी है। ऐसा करने से उस शत्रु का या आपके अपने जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं, वो आपका गलत करना रोक देंगे, उनकी जितने भी कोशिशें होंगी वो नाकामयाब हो जाएंगी, और वो जितना आपके साथ बुरा करने लगेंगे, उल्टा उनके साथ वो चीज़ें होने लग जाएंगी, और वो खुद आपसे आकर माफ़ी भी मांगेंगे कि उन्होंने जब तक जितना भी कुछ आपके साथ गलत किया है वो उसकी माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि वो सब चीज़ें उनके साथ होना शुरू हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी रियलाइजेशन उनके मन में आ जाएगी कि जो चीज़ें मैं उस व्यक्ति के लिए गलत सोच रहा हूँ वो चीज़ें अब मेरे साथ हो रही हैं। तो ये पहला उपाय है जिससे कि आप रोक सकते हैं कि आपके अपने आपके साथ कुछ गलत ना करें, ना बुरा चाहें, ना कुछ गलत नज़र रखें, ना कोई जादू टोना करें, ऐसी कोई भी गलत काम आपके साथ नहीं किया जाएगा। तो ये पहला उपाय है। बात करते हैं दूसरे उपाय की कि दूसरे उपाय में आपने क्या करना है। दूसरे उपाय का जो दिन है वो है मंगलवार या शनिवार, क्योंकि पहला उपाय तो उसी दिन कर लिया जाएगा जिस दिन वो व्यक्ति आपके घर आएगा। अब वो किसी भी दिन आ सकता है। ये दूसरा उपाय है, ये आप मंगलवार को भी कर सकते हैं और ये उपाय आप शनिवार को भी कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने लाल सूखी 5 मिर्चें ले लेनी है। और इसका आपने क्या उपाय करना है, इसमें आपने अपने घर के बाहर एक गड्ढा कर लेना है, छोटा सा गड्ढा कर सकते हैं अपने घर के बाहर। लेकिन जो लोग अपने घर के बाहर गड्ढा नहीं कर सकते, या कई लोग फ्लैट्स में रहते हैं या ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे ये चीज़ें नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, आपके घर अगर कोई गमला है जिसमें मिट्टी है, उस मिट्टी में भी छोटा सा गड्ढा करके आप ये उपाय कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने बाजार से मंगलवार या शनिवार के दिन 5 सूखी मिर्चें लेकर आनी है, और उसके बाद जब आप गड्ढा कर लेंगे, 5 सूखी मिर्चें आपने उस व्यक्ति का नाम लेकर, जो भी जिस पे भी आपको डाउट है कि वो हमारा अपना है लेकिन हमारे साथ गलत कर रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने वो 5 सूखी मिर्चें
अपने सर के ऊपर 5 बार वार कर, या जितने भी घर में फैमिली मेंबर्स हैं उन सब के सर के ऊपर 5 बार वार कर, उस शत्रु का नाम लेकर आपने वो गड्ढे के अंदर 5 सूखी मिर्चें डाल देनी है और उसके बाद उसे मिट्टी से आपने ढक लेना है। तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जो भी आपका अपना है, जो बुरा सोच रहा है, वो आपका बुरा कभी नहीं सोचेगा। आपसे आकर आपके पैर छू कर वो इंसान आपसे माफी मांगेगा, क्योंकि जितनी भी गलत चीजें उसने आपके साथ अब तक की हैं या वो सोच रहा है, वो उल्टा उसके साथ होने लग पड़ेंगी। और जो जो बुरी चीजें उसने आपके बारे में सोची भी होंगी, की भी नहीं होगी, यानी कि उसके दिमाग में भी होंगी, वो चीजें भी उसके साथ बीतनी शुरू हो जाएंगी। तो उसको अपनी गलती का जरूर एहसास होगा और वो आपसे आके माफी भी जरूर मांगेगा, और कभी भी इन फ्यूचर भी आपके साथ कुछ भी गलत करने की या गलत सोचने की भी या धोखा देने की भी कभी भी कोशिश नहीं करेगा। ये 2 उपाय हैं, बहुत ही आसान है, इसको जरूर आजमाइएगा, आपको इसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।